नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नजर डालेंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। असम मिजोरम सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक्शन में गृह मंत्रालय, सीआरपीएफ की 4 टीम की गई तैनात। हैदराबाद में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, कोविड रोगी के परिजनों ने डॉक्टरों के सहकर्मी पर किया है हमला। महामारी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी, भारत, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक कोरोना पर मिलकर करेंगे शोध। दिल्ली क्राइम ब्रांच के तुर्कमान गेट इलाके से एक आईएसआई एजेंट को पकड़ा, कबूली 3 बार पाकिस्तान जाने और पाक एम्बेसी से टच में होने की बात। असम मिजोरम सीमा पर भारी बवाल, 5 पुलिसकर्मी की मौत, 60 लोग हुए घायल, वही शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। काले धन पर केंद्र सरकार का बयान, पिछले 10 वर्षों में स्विस बैंकों में कितना काला धन जमा हुआ है कोई आधिकारिक नहीं है अनुमान। राज्यों ने शुरू की कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, खामियों को किया जा रहा है दूर, तमिलनाडु सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किया शुरू। परिवार सहित महाकाल मंदिर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में खुशहाली के लिए 66 ब्राह्मणों के साथ किया महारुद्राभिषेक। मनमाने तरीके से 95% से अधिक अंक नहीं दे सकेंगे स्कूल, सीबीएसई ने जारी किए नए निर्देश। राज्यसभा में लिखित जवाब में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सेना में अधिकारियों के 7,912 व सैनिकों के 90,640 पद हैं, खाली स्कूलों में एनसीसी अनिवार्य नहीं है। राजस्थान में सरकारी भर्ती प्रक्रिया में होगा सुधार, रोकने के उपायों को लेकर गठित की गई उच्च स्तरीय कमेटी ने सीएम गहलोत को सौंपी रिपोर्ट, सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद इसे किया जाएगा लागू। प्रशांत किशोर की आई पैक टीम से त्रिपुरा पुलिस ने की पूछताछ, तृणमूल की त्रिपुरा इकाई ने इसे लोकतंत्र पर हमला दिया करार, पश्चिम त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक नियमित जांच की कही बात। पंजाब में बड़े प्रशासनिक फेरबदल, रातों रात बदले गए 11 आईएएस समेत 54 अधिकारियों के विभाग। एससीओ की बैठक में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन पाक से तय नहीं द्विपक्षीय मुलाकात। नवजोत सिंह सिंधु को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने पर पाकिस्तान से मिली बधाई, करतारपुर गलियारे को दोबारा खोलने की जताई उम्मीद। अलीगढ़ में बच्चा चोर गैंग पर आफत बनकर टूटी अलीगढ़ पुलिस, 16 अभियुक्त किए गए, गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 5 बच्चों को किया गया है बरामद। औरैया में नेत्र परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन, रोडवेज कर्मियों को दिलाई गई शपथ, यातायात नियमों की दिलाई गई शपथ। बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, दीपक दुलहरा को बीजेपी पार्टी से निष्कासित करने की गई मांग। गोरखपुर में रिश्ते हुए तार तार, भतीजे ने चाचा की गला रेत कर की निर्मम हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में लुटेरों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम, युवक से 20,000 की नकदी और सोने की अंगूठी लूट, मौके से फरार हुए बदमाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
जौनपुर में 8 साल की मासूम का मिला शव। शव मिलने से गांव में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में सपाइयों का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी कार्यालय के विरोध में किया गया प्रदर्शन। सपाइयों ने कहा कि अस्पताल को 5 स्टार बीजेपी कार्यालय बना दिया गया है। कानपुर में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने किया हड़ताल। कोरोना योद्धा सम्मान का सर्टिफिकेट जलाया और किया विरोध प्रदर्शन। मैनपुरी में एम्बुलेंस चालकों ने किया धरना प्रदर्शन। टेंडर प्रथा को खत्म करने की उठाई मांग। प्रतापगढ़ में मेडिकल स्टोरों पर चल रहा है मौत का खेल। डॉक्टर की लापरवाही से मां बच्चे की हुई मौत। परिजनों ने शव रखकर किया हंगामा। प्रतापगढ़ में आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव। मामला दर्ज करवाने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 24 घंटे में पुलिस ने नाबालिग को किया बरामद। 2 दिन पहले हुई थी लापता। सुल्तानपुर में दबंगों ने पूर्व प्रधान पर बोला हमला। घटना के बाद ग्रामीणों ने हाईवे को किया जाम। सुल्तानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। युवक को बदमाशों ने चाकू मारकर किया घायल और मौके से हुए फरार। मामले की जांच में जुटे पुलिस। सुल्तानपुर में आजाद समाज पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन। पुलिस उनके कार्यकर्ताओं का लगातार कर रही है उत्पीड़न। जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की उठाई मांग। उन्नाव में अवैध मकान पर प्रशासन का चला बुलडोजर। कई थाने के फोर्स मौजूद होकर अपनी निगरानी में सरकारी नहर को खाली करवाया। यूपी में 4,51,00,000 लोगों का हुआ टीकाकरण। दूसरी डोज लेने वाले को मिलेगी वरीयता। यूपी चुनाव में बीएसपी को नहीं मिल रहे प्रभावशाली ब्राह्मण चेहरे। बीजेपी कांग्रेस और एसपी के नेताओं पर नजर। यूपी में 1 साल में 385 साइबर ठग दबोचे गए। 5 करोड़ बरामद कर पीड़ितों को लौटाई गई उनकी रकम। अब तक 528 दर्ज हुए मामले। 402 पर कार्रवाई बाकी। यूपी में 58,000 से ज्यादा पंचायत सहायक भर्ती का कार्यक्रम जारी। 10 सितंबर तक पूरी होगी नियुक्ति। किसानों का मिशन यूपी। बागियों ने किया ऐलान। दिल्ली की तरह लखनऊ के चारों तरफ डेरा डालेंगे किसान। वाराणसी में पुलिस कांस्टेबल ने इच्छा मृत्यु की मांग। राष्ट्रपति से किया इच्छा मृत्यु की मांग। अलीगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट। मारपीट के दौरान हुई फायरिंग। बंदूक लहराते कर्मचारी का वीडियो हुआ वायरल। कानपुर देहात में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हुई। कुछ लोग गंभीर रूप से हुए घायल। राजधानी लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद। एक बार फिर बंथरा पुलिस को चोरों ने दी चुनौती। चोरों ने ज्वेलरी की दुकान पर किया हादसा।
कुशीनगर में पोखर में डूबने से दो किशोर की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने शवों को जांच के लिए भेजा। रायबरेली में महिला सुरक्षा के दावों को खुली पोल, युवती की बेरहमी से हुई पिटाई, पिटाई का वीडियो भी हुआ वायरल, युवती के चाचा पर लगा पीटने का आरोप। हमीरपुर में रिश्ते हुए तार-तार, अवैध असलहे के दम पर युवक ने नाबालिग किशोरी से किया दुष्कर्म, पीड़ित परिवार ने सीओ से लगाई मदद की गुहार। हमीरपुर में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की हुई दर्दनाक मौत, युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। जिले में अवैध खनन पर नहीं लग पा रही है लगाम, पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है अवैध खनन, रात भर होता है जेसीबी से अवैध खनन। चमोली में बारिश से बदहाल हुई सड़कें, आवागमन हुआ बाधित, प्रशासन से गुहार के बाद भी नहीं हुई कोई सुनवाई। हरिद्वार में वन विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, भूमाफिया खाली जमीन पर कर रहे हैं अतिक्रमण। हरिद्वार में पूर्व जिला अध्यक्ष के समर्थन में पद यात्रा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पैदल मार्च। नैनीताल में सफाई कर्मचारियों ने फूका पुतला, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। पौड़ी में मोटर मार्गों पर लगातार हो रहे हादसे, हादसे में जानवरों की हो रही है मौत। ऋषिकेश में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का मामला, युवक की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन, बद्रीनाथ धाम को लेकर किया गया पोस्ट। रुड़की में गन्ना भुगतान न होने से किसान परेशान, इलाज के लिए घर बेचने को हुए मजबूर, मिल प्रबंधन ने हफ्ते के अंदर भुगतान करने का दिया आश्वासन। रुद्रप्रयाग में सफाई कर्मियों ने फूका सरकार का पुतला, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। नैनीताल में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की याचिका दायर, हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका, हड़ताल के कारण नागरिक कूड़े के ढेर के बीच रहने को हुए मजबूर। मसूरी में करोड़ों की लागत से बन रहा है सैन्य धाम, कैबिनेट मंत्री ने कहा शहीदों के घर की मिट्टी का नींव में होगा इस्तेमाल। रुड़की में डॉक्टरों की शर्मनाक हरकत आई सामने, इलाज के दौरान कई मरीजों की हुई मौत, सवालों के घेरे में आया चर्चित विनय अस्पताल। हरिद्वार में किन्नरों ने महिला से की लूट, बधाई राशि मांगने घर में घुसे थे किन्नर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चमोली में कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को किया गया था नमन, डीएम ऑफिस में शहीदों के चित्रों पर किया गया था माल्यार्पण। ऋषिकेश में पहाड़ी क्षेत्रों में खेल को दिया जा रहा है बढ़ावा, प्री वॉलीबॉल प्रतियोगिता का होगा आयोजन, 20 अक्टूबर 2021 से शुरू हो रहा है ये आयोजन। हड़ताल पर विद्युत विभाग के कर्मचारी, 14 सूत्री मांग पर अड़े कर्मचारी, कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली की सप्लाई पर पड़ रहा है असर। देहरादून में कांग्रेस को मिला नया नेता, प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने संभाला कार्यभार।
पौड़ी गढ़वाल में जल्द होगी संघ लोक सेवा की परीक्षा। परीक्षा के लिए जगह का हुआ चयन, डीएम ने संबंधित अधिकारियों संघ की बैठक। चंपावत में कर्नल अजय कोठियाल ने किया बड़ा दावा, आपकी सरकार आते ही होगा बड़ा बदलाव। उच्च शिखरीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली अनियंत्रित दोहन की वजह से 5 और वनस्पतियां संकट वन सूची में होगी शामिल। देहरादून के मैक्स अस्पताल में 49 दिन आईसीयू में रहने के बाद 26 साल के तन्मय को मिली नई जिंदगी। फेफड़े के गंभीर निमोनिया से जूझ रहा था तन्मय। अफगान टेरर फैक्ट्री प्लान पर कटघरे में पाकिस्तान, तालिबानी भेष में लड़ रहे पाक लड़ाकू। चीन में टिकटॉक स्टार 160 फीट ऊंचाई पर बना रही थी वीडियो, पैर फिसलने से मौके पर ही हुई मौत। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव, भारी हिंसा के बीच इमरान की पार्टी को मिली जीत। अफगानिस्तान में तालिबान की हिंसा जारी, महिलाओं और बच्चों के मरने की संख्या में हुई बढ़ोतरी। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में गतिरोध, चीन ने जो बाइडेन प्रशासन को थमाई शिकायतों की लिस्ट। सर काटने से पहले पूर्व राजदूत की बेटी को लोहे के हथियार से किया गया था टॉर्चर, जांच अधिकारी ने किए बड़े खुलासे। चीन के वुहान में आया रेतीला तूफान, आंधी की धूल की 100 मीटर ऊंची दीवार। अमेरिका के यूटा में रेतीला तूफान, 20 गाड़ियां आपस में टकराई, 7 लोगों की हुई मौत। चुनाव हारने के बाद गुस्साए फारूक हैदर, कश्मीरियों पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। अफगान बलों को बड़ी सफलता, बाक प्रांत के अहम जिले को तालिबान से छुड़ाया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी, कहा हमारी सेना हमले के लिए है तैयार। भारतीय मूल की गुरबीर ग्रेवाल को अमेरिकी सिक्योरिटी बोर्ड में मिला अहम पद, रंगभेद और अश्वेतों के खिलाफ फैली नफरत के खिलाफ चलाई थी मुहिम। अफगान सेना प्रमुख की भारत यात्रा टली, तालिबानी हमलों के कारण लिया बड़ा फैसला। यूएन की रिपोर्ट में खुलासा, तालिबान और अफगान सेना की लड़ाई में मारी जा रही है आम जनता। इमरान खान की पार्टी पर फिर लगा चुनाव में धांधली का आरोप, अदालत जाते और विरोध प्रदर्शन का विपक्ष बना रही है रणनीति। अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने कहा कि भारत के लिए खतरे का संकेत है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तिब्बत दौरा। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट में कम हुए संक्रमण के मामले, लॉकडाउन में मिलेगी छूट।
सिनोवेक बायोटेक की कोरोना वैक्सीन में तय समय में कम मिली एंटीबॉडीज, शोध में सामने आई बात। बाइडेन ने इराक में अमेरिकी युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की, कहा करेंगे नए संबंध में प्रवेश। ब्राजील में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 5.5 लाख के पार, रोजाना हो रही है 500 से अधिक मौतें। खराब मौसम से फसलें हुई प्रभावित, दुनिया में महंगी हो सकती है खाने पीने की चीजें, भारत पर भी हो सकता है इसका असर। खट्टर ने खरीफ सीजन के लिए की समीक्षा बैठक, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने का दिया निर्देश। मसूर दाल पर इंपोर्ट ड्यूटी हुई शून्य, इग्री इंफ्रा डेवलपमेंट रेट से घटकर हुआ 10%, वित्त मंत्री ने पेश की अधिसूचना। एचडीएफसी बैंक की नई योजना, छोटे दुकानदारों को मिलेगा 10 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट, केवल 6 महीने का देना होगा बैंक स्टेटमेंट। विजय माल्या को तगड़ा झटका, लंदन हाईकोर्ट ने भगोड़ा कारोबारी को दिवालिया किया घोषित, बैंकों ने जीता केस। टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक पर लौटी भारतीय हॉकी टीम, पुए के अपने तीसरे मैच में स्पेन को 3-0 से हराया, क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का दावा हुआ मजबूत। टोक्यो ओलंपिक में भारत के ऊंचता शरत कमल टेबल टेनिस के मेंस सिंगल्स में मेडल की होड़ से हुए बाहर, नंबर एक सीड चीन के मा लोंग ने उन्हें 4-1 से हराया। शूटिंग में मनु सौरभ की जोड़ी टॉप फोर में जगह बनाने से चूकी, टॉप फोर जोड़ियों को मेडल राउंड में मिली एंट्री। भारतीय पहलवानी दल टोक्यो रवाना, कोच बोले तैयारी अच्छी, पदक लेकर ही लौटेंगे। मीराबाई चानू को दिल्ली एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, लोगों ने लगाया भारत माता की जय के नारे। पठान में हाई ऑक्टेन एक्शन सीन करते नजर आएंगे दीपिका पादुकोण, शाहरुख और दीपिका के अलावा जॉन इब्राहिम भी लीड रोल में आएंगे नजर। बॉलीवुड में एक्टिंग डेब्यू करेंगे सिंगर गुरु रंधावा, हिंदी फीचर फिल्म में पहली बार आएंगे नजर, इस फिल्म में एक युवा म्यूजिशियन की होगी कहानी। रणवीर सिंह ने धोनी के साथ खेला फुटबॉल मैच के दौरान, दोनों मस्ती करते आए नजर, दोनों सेलिब्रिटीज ऑल स्टार्स फुटबॉल क्लब का है। सेनन स्टार मीत डेट से 4 दिन पहले हुई रिलीज, नेटफ्लिक्स जियो से पहले टेलीग्राम पर आई पायरेटेड कॉपी, फिल्म को लक्ष्मण उत्रेकर ने किया है डायरेक्ट। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी डील, टीट सीरीज और लहरी को मिले आरआर के म्यूजिक राइट्स। फिलहाल के लिए इतना ही, देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।